फ्रेंड्स, मैं राहुल तिवारी एंड इस YouTube चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, यहां पर दो दिन पहले Redmi ने अपने Redmi की Note 9 स्मार्टफोन को फाइनली इंडिया में लॉन्च किया है। जो स्मार्टफोन है, ठीक ठाक फीचर्स के साथ में आता है। प्राइसिंग भी इस बार Redmi के Note 9 स्मार्टफोन की ठीक ठाक यहां पर रखी गई है। अब दोस्तों, आज यहां पर Redmi का Note 10 स्मार्टफोन फाइनली लिस्ट हो चुका है और इस स्मार्टफोन के कन्फर्म जो फीचर्स है वो यहां पर निकल करके आ गए हैं और यहां पर इस स्मार्टफोन की जो लॉन्च है वो भी यहां पर निकल करके आ चुकी है। आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं Redmi के Note 10 स्मार्टफोन के सभी कुछ फीचर्स के बारे में, सभी कुछ डिटेल के बारे में और यहां पर लॉन्च के भी बारे में। तो फाइनली जो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। इसके साथ अगर आप यहां पर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो जरूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूं तो जो वीडियो सबसे पहले यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाए। दोस्तों, इस बार Redmi अपने नोट सीरीज में थोड़ा सा फास्ट हो गई है। एटलीस्ट अगर हम देखें तो Redmi के Note 9 के बाद ही, जैसे यहां पर Redmi का Note 9 स्मार्टफोन लॉन्च हुआ, तुरंत जो Redmi का Note 10 स्मार्टफोन है वो बेंचमार्क साइट पर लिस्ट हो गया है। और यहां पर अगर बात करूं लिस्टिंग के बाद में आए हुए कुछ फीचर्स के बारे में, तो यहां पर अगर बात करूं इस स्मार्टफोन के सबसे पहले प्रोसेसर के बारे में कि आखिर प्रोसेसर कौन सा होने वाला है, जो कि हमारी मेन प्रायोरिटी रहती है आजकल सभी लोगों की कि हमें एक अच्छा प्रोसेसर चाहिए, तो इस बार आपको यहां पर एक मीडियाटेक का प्रोसेसर देखने के लिए मिलने वाला है Redmi के Note 10 स्मार्टफोन में। और ये जो प्रोसेसर होगा वो होगा एक 5G प्रोसेसर। यहां पर आपको Redmi के Note 10 स्मार्टफोन में Dimensity 820 सीरीज वाला जो प्रोसेसर है वो यहां पर देखने के लिए मिलने वाला है। अब दोस्तों, ये जो प्रोसेसर है वो एक 5G प्रोसेसर है और MediaTek का ये जो Dimensity सीरीज है इसमें जो प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिलते हैं वो ऐसे प्रोसेसर हैं जिनमें आपको सस्ते दाम पर 5G देखने के लिए मिलता है, यानी फोन की कॉस्टिंग भी कम होगी, फोन की प्राइस भी कम होगी और उनमें आपको 5G भी देखने के लिए मिलेगा। और इसके साथ साथ इनमें ये जो प्रोसेसर है वो एक गेमिंग प्रोसेसर भी है, इनमें आपको काफी अच्छी जो गेमिंग स्पीड है, काफी अच्छी प्रोसेसिंग स्पीड है वो यहां पर देखने के लिए मिल जाती है। तो यही इस पर आपको Redmi के Note 10 स्मार्टफोन में 5G देखने के लिए मिलने वाला है। उसके साथ आपको Dimensity 820 सीरीज वाला प्रोसेसर है वो यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। ये कंफर्म हो चुका है, बेंचमार्क साइट पर ये जो स्मार्टफोन है वो लिस्ट हो गया है। इसके साथ यहां पर 8GB की रैम शो की गई है। और अब दोस्तों, हो सकता है कि मैक्सिमम 8GB रैम आपको देखने के लिए मिले, इसके बीच में हो सकता है 4GB, 6GB और 8GB ऐसे हो, तो 8GB रैम यहां पर शो की गई है। इसके साथ अगर बात करता हूं यहां पर इस स्मार्टफोन की और भी कुछ डिटेल के बारे में, तो हालांकि इसके अलावा तो कंफर्म डिटेल्स यहां पर निकल करके नहीं आई है, लेकिन कुछ अगर लीक्स डिटेल की और भी बात करता हूं तो यहां पर लीक्स ये आ रही है कि इस बार आपको Redmi के Note 10 स्मार्टफोन में 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिलने वाला है। अब देखा जाए तो Redmi के Note 8 में भी यहां पर 48 मेगापिक्सल का कैमरा, उसके साथ Redmi के Note 9 में भी 48 मेगापिक्सल का कैमरा, तो एटलीस्ट डेफिनेटली ये श्योर है कि इस बार आपको Redmi के Note 10 स्मार्टफोन में जो कैमरा होगा उसको काफी हद तक अपग्रेड किया जाएगा, यानी 64 मेगापिक्सल का कैमरा तो आपको यहां पर देखने के लिए मिलने वाला है। उसके साथ इस स्मार्टफोन में फिर से आपको पंच होल डिस्प्ले डिजाइन देखने के लिए मिल जाएगी। उसके साथ दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। उसके साथ हो सकता है आपको 5020 एमएच की बैटरी Redmi के Note 10 स्मार्टफोन में भी देखने के लिए मिल जाए। उसके साथ यहां पर आपको फास्ट चार्जर भी देखने के लिए मिल जाएगा। उम्मीद है कि 30 वाट का चार्जर आपको यहां पर Redmi के Note 10 स्मार्टफोन में देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ फीचर्स जो कि फाइनली यहां पर निकल करके आए हैं Redmi के Note 10 स्मार्टफोन के बारे में। अब अगर बात करता हूं इस स्मार्टफोन की लॉन्च के बारे में और यहां पर इस स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में, तो यहां पर अगर बात करूं लॉन्च के बारे में, सबसे पहले जो ये जो स्मार्टफोन है वो यहां पर चाइना में जाने वाला है। चाइना में ये स्मार्टफोन सबसे पहले लॉन्च होने वाला है, उसके बाद चाइना के 1-2 या 3 महीने के बाद ये जो स्मार्टफोन है वो यहां पर इंडिया में भी लॉन्च कर दिया जाएगा। जैसे कि यहां पर Redmi के Note 9 स्मार्टफोन के साथ में हुआ था, Redmi का Note 9 स्मार्टफोन सबसे पहले चाइना में गया, उसके बाद ये जो स्मार्टफोन है वो यहां पर इंडिया में भी लॉन्च किया गया कुछ टाइम के बाद में। यहां पर अगर बात करूं चाइना लॉन्च के बारे में, तो उम्मीद है कि यहां पर अगस्त के ही महीने में जो Redmi है वो अपने Redmi के Note 10 स्मार्टफोन को फाइनली चाइना में लॉन्च कर सकती है। अब दोस्तों, ये लीक आई है, यहां पर मैं कंफर्म आपको श्योरली नहीं बता रहा हूं कि नहीं अगस्त में लॉन्च ही हो जाएगा, लेकिन लीक्स ऐसी आ रही हैं कि यहां पर जो Redmi का Note 10 स्मार्टफोन होगा वो आपको चाइना में अगस्त में देखने के लिए मिल सकता है। उसके साथ अगर बात करूं Redmi के Note 10 स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में, तो यहां पर प्राइस इस स्मार्टफोन की जो बताई जा रही है, बताई जा रही है कि 15,000 के नीचे ये जो स्मार्टफोन है वो यहां पर इंडिया में देखने के लिए मिल सकता है 5G प्रोसेसर के साथ में। अब यहां पर हो सकता है कि जो Redmi का Note 10 स्मार्टफोन है वो कुछ हमें 12,000 रुपए की रेंज में, इसका जो बेस वेरियंट है वो इंडिया में देखने के लिए मिलता है, तो उम्मीद है कि आपको 13,000 से 14,000 रुपए के बीच में जो Redmi का Note 10 स्मार्टफोन है वो फाइनली इसके बेस वेरियंट के साथ में इंडिया में आपको देखने के लिए मिल सकता है। वैसे जो Redmi की Note 10 सीरीज होती है वो इनके सीरीज का मेन मोटिव ये होता है कि ये सस्ते में काफी अच्छे फीचर्स को यहां पर लेकर के आए। जैसे कि अगर हम देखें इंडिया में, तो जो Redmi का Note 10 स्मार्टफोन है वो MediaTek Helio G85 प्रोसेसर के साथ में लॉन्च हुआ है।
काफी अच्छे फीचर्स के साथ में लॉन्च हुआ है और इसकी जो प्राइस है वो भी 12,000 रुपए की रेंज में आपको देखने के लिए मिलती है। अगर इसके पहले 12,000 की रेंज में देखें तो Redmi के Note 9 स्मार्टफोन को टक्कर देने के लिए कोई और भी स्मार्टफोन इस प्राइस रेंज में लॉन्च ही नहीं किया गया है। तो सेम वही कंडीशन होने वाली है 5G के साथ में भी। जो Redmi का Note 10 स्मार्टफोन होगा वो जब इंडिया में आएगा तो उस रेंज में उस प्राइस में आपको कोई भी 5G स्मार्टफोन पहले देखने के लिए नहीं मिलेंगे। हो सकता है आने के बाद में भले ही यहां पर लॉन्च कर दिया जाए। अब दोस्तों ये थी पूरी डिटेल Redmi के Note 10 स्मार्टफोन के बारे में। आपका क्या कहना है यहाँ पर इस स्मार्टफोन के बारे में जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके बताइएगा। फाइनल दोस्तों यही था कुछ वीडियो में। आशा करता हूँ छोटी जानकारी सामने आ गई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।